हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गजरे के साथ हेयर स्टाइल, जो कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम गजरे के साथ हेयर स्टाइल बताइए। तो आज मैं देखिए कितने हेयर स्टाइल बन पाते हैं सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और अलग अलग टाइप की हेयर स्टाइल होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गजरे के साथ हेयर स्टाइल आप बना पाओगे। बन, ओपन, जितने भी बन पाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और दूसरे चैनल पर जरूर जाएगा, सिलाई कोर्स प्रीति तिवारी जो चैनल का नेम है। तो जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है उसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम लोग, बहुत ही इजी तरीके से आप बना लोगे। तो मैं यहाँ पे बीच की मांग निकाल रही हूँ। गजरा हेयर स्टाइल अक्सर बीच की मांग के साथ काफ़ी स्टाइलिश दिखता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बीच की मांग मैंने निकाल ली है और सिंपली आपको यहाँ से थोड़े से हेयर लेने हैं और इस तरीके से इसको पकड़ना है। ओके, हल्का सा ट्विस्ट करना है, देन ऊपर की तरफ पुल करना है ताकि थोड़ा पफ का लुक आ जाए। ओके, और क्लचर, यूपिन, जो भी बॉबी क्लिप आपके पास है उससे आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा। ओके, इस तरीके से अभी क्लचर से या फिर यूपिन से आप इसको सेट करके थोड़ा थोड़ा आगे से बालों को इस तरीके से खींच लीजिएगा। उसके बाद से जो साइड के हेयर हैं सिंपली ट्विस्ट करना है इस तरीके से। आप चाहो तो लेयर भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है, आपका फेस, आपके फेस पे जो भी सूट करता हो इस हिसाब से इसको बैक साइड में लेके जाएंगे और इसी क्लचर में यहाँ पे दबा देंगे। ओके, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी करना है। इसको भी इस साइड में ले जाके और यहाँ पे क्लचर की मदद से यहाँ पे इसी वाले क्लचर में ऐसे सेट कर देंगे। एक ही क्लचर से आप ये हेयर स्टाइल बना लोगे और यहाँ से जो लेयर्स निकले हैं उसको निकले रहने दीजिए। अभी आपको लेना है गजरा और गजरे को सिंपली आपको इस क्लचर के ऊपर से ऐसे रखना है। और यहाँ पे ये जो इसका पिन है इससे यहाँ पे सेट करना है और इस साइड वाले गजरे को भी ऐड कर देना है। तो ये फर्स्ट हेयर स्टाइल कुछ इस तरीके से होगा गजरे के साथ, और बाल भी ओपन रहेंगे। अगर आपके बाल छोटे हैं, आप खुले रखना चाहते हो, तो आप ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। ओके, सॉरी, ये वाला आप अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अगर आपको एक पिन से करने में दिक्कत हो रही हो तो आप यूपिन भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूपिन यूज कर ले रही हूँ, आप भी इस तरीके से यूपिन से सेट कर लीजिएगा। और ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्टाइलिश लगता है और बहुत इजी तरीके से आप बना लोगे और खुले बालों में भी काफ़ी अच्छा दिखेगा ये। तो इस तरीके का लुक है कुछ इस हेयर स्टाइल का। सॉरी, बार बार कैमरा मेरा इधर उधर हो जा रहा है। तो आप फ्रंट बैक से मिरर में देख सकते हो, फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक है। आप चाहो तो यहाँ से भी लेयर्स निकाल सकते हो, अगर आपने फ्लिक्स कट किए हैं तो और भी प्यारा लगेगा ये हेयर स्टाइल। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में मैं इस तरीके से पूरे बालों का इस ईयर से लेके इस ईयर तक इस तरीके से हेयर को उठाएंगे। ओके, सारे बालों को अच्छे से लेके कॉम करेंगे और हल्का सा पुल आगे की तरफ ढकेलते हुए इस तरीके से पफ बनाएंगे। बड़ा सा पफ एक बना लेना है और इसको टिकटे क्लिप या यू क्लिप से, सॉरी यू क्लिप से नहीं, बॉबी क्लिप से आप इसको अच्छे से सेट कर लो। जब आप इसको लगाते हो तो क्लिप कुछ इस तरीके से लगानी है जिससे कि आपका पफ लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और निकलेगा नहीं। कुछ इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉस बन गया है क्लिप से, इस तरीके से क्रॉस करके लगाना है। उसके बाद से आपको अपने आगे से आपको लेयर्स निकालने हैं तो आप निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है, आपको जैसे रखना हो। ओके, आप दो तीन क्लिप्स लगा लीजिएगा ताकि आपका हेयर स्टाइल जो है वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। ओके, अभी सारे बालों को अच्छे से कॉम करना है और एक रबड़ बैंड लगा लेना है, पोनी बना लेनी है। ओके, पोनी बनाने के बाद से सिंपली आप अपने बालों को सिंपल सा जूड़ा बना लीजिए इस तरीके से। ओके,
देखिए ध्यान से देखिए, इस तरीके से हैंड लेना है और ऐसे करना है, और ये वाला जो हेयर है इसको ऐसे अंदर की तरफ इन करके और बस इस तरीके से बना के यू पिन से सेट कर देना है। ओके, ये तो हमारा सिंपल सा जूड़ा बन गया। अब इसको थोड़ा सा गजरे से इस तरीके से सजा लेंगे, और इसमें जो गजरे में क्लिप लगी होती है इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो गया गजरे के साथ। आप चाहो तो दो चार यू पिन से, जैसे स्टोन वाले यू पिन आते हैं, उससे अपने गजरे को और भी अच्छा सा लुक दे, सॉरी अपने बन को थोड़ा अच्छा सा लुक दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे तीन चार स्टोन्स वाले यू पिन लगा दे रही हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। आप अगर ऐसे सिंपल रखना चाहते हो तो सिंपल भी रख सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया, बैक का लुक कुछ इस तरीके का है और काफ़ी प्यारा लगेगा। साड़ी पे भी आप ये हेयर स्टाइल करोगे तो, और फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। ये वाला काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इजी है और बहुत आसानी से आप बना लोगे ये हेयर स्टाइल, है ना? बहुत ही इजी और स्टाइलिश सा और इजी सा हेयर स्टाइल। इसमें ज़्यादा चीज़ों का भी यूज नहीं करना, सिर्फ दो क्लिप्स, दो तीन क्लिप्स एंड यू पिंस की ज़रूरत पड़ेगी और एक गजरा। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में हमको सिंपली बीच की मांग निकालनी है, सॉरी थर्ड हेयर स्टाइल में बीच की मांग निकाल के क्राउन एरिया से अपने हेयर को ले लेना है। ओके, और बैक से थोड़ा सा पफ, इस तरीके से पफ बनाना है और ऊपर की तरफ ढकेलते हुए यहाँ पे आप यू पिन से इसको, सॉरी वावी क्लिप से सेट कर लीजिए या फिर टिक टेक क्लिप से। इस तरीके से बनाते हुए ज़्यादा ऊंचा पफ नहीं बनाना है, हल्का सा बना के, और सिंपली आपको साइड से अपने हेयर को लेना है। ओके, हल्का सा ट्विस्ट करना है आगे की तरफ पुल करके यहाँ पे ले जाके इसको बॉबी क्लिप से सेट कर देना है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। ओके, यहाँ से मैंने हेयर लिए हैं, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे आगे की तरफ पुल करते हुए और यहाँ पे भी एक बॉबी क्लिप से इसको सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये फ्रंट का हमारा लुक हो गया। बैक में आपको सारे बालों को कॉम करना है और एक लो पोनी बना लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पे डोनेट यूज कर सकते हो, चाहो तो सिंपल बन भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे डोनेट यूज करके आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद का वीडियो थोड़ा सा कट हो गया था, प्लीज़ डोंट माइंड, एंड बिल्कुल ही सिंपल था। पोनी मैंने बनाई थी, उसके ऊपर डोनेट ऐड करके और सारे बालों को डोनेट के ऊपर कवर करते हुए पतला वाला रबड़ लगाना था और एक्स्ट्रा हेयर को डोनेट के वो बन के चारों तरफ लपेट के यू पिन से सेट करके गजरा ऐड कर देना है। और ये है इसका फाइनल लुक, आपको मिरर में एंड फ्रंट का ऐसे दिख रहा होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको ये वाला हेयर स्टाइल नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दूँगी पूरा प्रॉपरली, पूरा अच्छे से। वैसे समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही ईजी है, फ्रंट का तो आपने देख ही लिया था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिएगा। फर्स्ट के दो हेयर स्टाइल वो भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ईजी हैं, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी ज़रूर बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, और प्लीज़ दूसरे वाले चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय।